तो अस्सलाम वालेकुम, होप सो आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो सीन कुछ यूँ है कि परसों आ रहे थे हम यूनिवर्सिटी से वापस, मैं और मेरा दोस्त साथ था, बाइक वो चला रहा था। पीछे से आ रहे थे कॉलेज के ना लफंटर, तीन लड़के थे और बाइक भगा के आ रहे थे। उन्होंने साइड से मारी कट, तो हुआ यूँ है कि उसने मारी कट है और मेरा जो दोस्त बाइक चला रहा था उससे बाइक संभली नहीं, तो आउट ऑफ कंट्रोल हुई बाइक और हम लोग गिर गए। ठीक है, तो मैं उसके ऊपर जाके ऊपर से होके आगे जाके गिरा। ठीक है, तो वो भी गिर गया था। उसके गिरने की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, मैं भी इंजर्ड हुआ हूँ। मेरे हाथ पे लगी है, मेरे बाजू पे लगी है और मेरी टांग पे लगी है और मेरे दोस्त को भी लगी है, उसको मेरे से ज़्यादा लगी है। इसकी वजह से मुझे काफ़ी इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, मैं मोबाइल सही से यूज़ नहीं कर पा रहा। मोबाइल सिर्फ सिर्फ मोबाइल की बात नहीं है, बात कुछ हुआ है कि कोई भी काम उससे नहीं हो पा रहा। ये राइट हैंड पर लगी है मुझे, ये देख सकते हैं आप, ये काफ़ी ज़्यादा डीप लगी हुई है। ठीक है, और ये मुझे इधर कोने पे भी लगी हुई है और मुझे टांग पे भी लगी हुई है। तीन चीज़ों की वजह से मुझे काफ़ी सारे इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं। और मेन बात यह है कि मेरा मंडे को है पेपर, मिड टर्म मेरे स्टार्ट होने हैं 24 को, जो कि मंडे बनती है, और हमारी डेट शीट भी आ गई है। तो मंडे को हमारा पेपर है और मुझे उस चीज़ की भी टेंशन लगी हुई है कि मैं कैसे रिटर्न करूँगा। ठीक है, मैंने तो ये सोचा है कि सर के पास जाऊँगा, सर को थोड़ा बहुत कह दूँगा कि सर थोड़ा कंप्रो कर ले हमारे साथ, कि हम थोड़ा लेंथी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, मेरे दोस्त है उसको भी लगी, उसको हाथ में लगी, उसको बाजू वगैरह पर लगी है, मे बी कि वो लिख सके, लेकिन मुझे बिल्कुल हाथ पर लगी है, लाइक इस साइड पर। ठीक है, तो ये मेरी फिंगर बिल्कुल यूँ नहीं, यूँ नहीं हो सकती, इसकी वजह से मैं मतलब लिख नहीं सकूँगा, सही तरह रिटर्न नहीं हो पाएगा मेरा। तो पहली बात तो मैंने यही सोची हुई, अगर नहीं भी होता तो फिर किसी न किसी तरह स्लो स्लो करके लिख लेंगे, जितना भी लिखा जा सकता है। पहली बात तो ये मिड टर्म है। मेरा मेन मकसद वीडियो बनाने का ये था कि मैं आपको इस चीज़ की अपडेट कर दूँ कि किस वजह से मेरे व्लॉग अभी तक हफ्ता होने वाला है आई थिंक नहीं आए। ठीक है, शूट वगैरह मैंने करना था, मैंने परसों सोचा हुआ था कि मैं शूट करूँगा, लेकिन तब हमारा ये सीन हो गया, उसकी वजह से हमारा शूट नहीं हो पाया। होप्स हो कि जल्दी रिकवर हो जाए। ठीक है, मुझे दो दिन हो गया, लेकिन अभी भी मेरा हाथ सही से काम नहीं करता। तीन चार दिन में अगर हम रिकवर हो जाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मंडे को है हमारा पेपर, फिर उसके लिए भी हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ से ठीक होते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा यहाँ से ठीक होते हैं, फिर रेगुलर व्लॉग जैसे आ रहे थे एक दिन बाद दो दिन बाद जो व्लॉग आ रहे थे उस तरह की शूट वगैरह करूँगा, दोबारा से व्लॉग आएंगे। वो की दुआ की ज़रूरत है। ठीक है, उम्मीद है आप हमारे लिए दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द हम सेहतयाब हों और आप लोगों को भी इंटरटेन करें और अपनी लाइफ भी इंजॉय करें। पेपर मैंने पहले सोचा था कि पेपर की एप्लीकेशन दे देता हूँ, लेकिन पेपर की एप्लीकेशन मैं नहीं दे सकता, क्योंकि उसके सीन ये है कि अगले मंथ ही मेरे कज़न की है शादी। ठीक है, तो उसका भी इंशाल्लाह व्लॉग आएगा सारा, कि अगले मंथ कज़न की शादी है, उस शादी की वजह से वो काफ़ी अच्छा मतलब मेरे रिलेटिव्स हैं, उनसे बहुत अच्छी बनी हुई है, उसकी वजह से मैं डिले नहीं कर सकता। एप्लीकेशन देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, मेरे पेपर डिले हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं देना चाहता, मैं इसी तरह ही रहूँगा, मैं इस तरह जिस तरह पॉसिबल होगा पेपर दे दूँगा, लेकिन मैंने डिले नहीं करना, मैंने शादी अटैम्प्ट करनी है। तो मेन मकसद यह है कि आप लोगों को अपडेट कर दूँ। ठीक है, और दूसरा आप लोगों की दुआ की ज़रूरत है, होप सो आप लोग हमारे लिए दुआ करेंगे जल्द से जल्द रिकवर हो जाएँ और आप लोगों को दोबारा एंटरटेन करें। तो मिलते हैं फिर रिकवरी के बाद इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना भी ख्याल रखें और हमारे लिए भी दुआ करें। अल्लाह हाफिज़।